नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुच्ची मु स्वप्ना नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे बिगिड़े लगी पुरी पिपिरी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र कर्मी अवस्था धारण में बसता दुई तीन जन स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर पांच दफा दाबी नहीं गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र बाहर धारणा देखते कर्मी 45 पिला आउथरे हेबो ओजेई 22 तारीख में अनुष्ठित हेबो स्वतंत्र परीक्षा बस रे गजपति खोर्धा आसुवा बेले दुर्घटनार शिकार होइथिले परीक्षार्थी 24 घंटा रे अधिक घनीभूत हेबो लघुचाप एहा प्रभाव रे ओडिसार विभिन्न स्थान रे वर्षा आरंभ 21 रे गंजाम गजपति को ऑरेंज वार्निंग धूली धुआं परे धोका पानी पकाइबा नारे पाठ पढ़ाउची ओएमसी खातारे ट्रक रास्तारे गड़ुची दुई चकिया अर्गस हातरे इचिंडा गांरे होइतिबा दुर्नीतिर एक्सक्लूसिव दस्तावेज बगला विवाद को नहीं बाउली होउछंती सरकार सत्य पाठरे कहिले 1901 रे होइची जमी अधिग्रहण 1916 रे पड़ीगला कागज पत्र सुप्रीम कोर्ट रे संबित को पिटीशन परे बढ़िची अड़ुआ प्रदेश को सर्च इंजिन रु हटाई अड़ुआ रे चाइनीज टेक विरोध परे बदलिला स्वर नईला संस्था बेपार डर रे एमआईए रो भांगिला अंटा कहिले एबी थिला जांत्रिक त्रुटि इंडिया टुडे सर्वे रे मोदी शीर्ष रे अप्रतिद्वंदी एवं लोकप्रिय नेता भाबरे मोदी आगरे तालिका रे शेष रे रहिछंती कांग्रेस पूर्वतन सभापति राहुल गांधी एवं आईपीएल महामुकाबिला 37तम मैच रे चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट रे हराइला राजस्थान रॉयल्स आज दिल्ली कैपिटल्स को भेटिबो किंग्स 11 पंजाब पिपिली गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में आमरण अनशन में बसता कर्मी स्वास्थ्य अवस्था बिगिड़े लगी धारण में दुई तीन जन स्वास्थ्यावस्था गुरुतर होवारु हॉस्पिटल रे भर्ती करा विभिन्न संगठन कर्मकर्ता माने पांच दफा दाबी नहीं गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र बाहर धारणा देखते चारिजण स्थायी डाक्तर निजुक्ति 24 घंटिया निरामय औषध वितरण सेवा खाली पड़ा पदवी पूरण सहित रोगी सेवाई आनुषंगिक व्यवस्था जगैवाई प्रमुख दाबी नहीं धारणा देखते पिपिली स्वास्थ्य केन्द्र में आमरण अनशन में बसता कर्मी स्वास्थ्यावस्था बिगिड़े लगी धारण में दुई तीन जन स्वास्थ्यावस्था गुरुतर हॉस्पिटल रे भर्ती करा विभिन्न संगठन कर्मकर्ता माने पांच दफा दाबी नहीं गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र बाहर धारणा देखते तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे पिपिलीरु आम प्रतिनिधि दुर्गा माधव तबे दुर्गा जदि कहिबा अनेक समय बीती गलानी दुई रु तीन जन अवस्था गुरुतर मध्ये हेलानी आमरण अनशन रे बसिक तबे वर्तमान सुधा केही पहुँचलेनी कि सेमानक निकट रे तबे दुर्गा आपण सुनि पर्छन्ति तबे दुर्गा माधव पूरी पिपिली गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे आमरण अनशन रे बसछंती कर्मी सेमानक मध्यरु दुई रु तीन जन स्वास्थ्य अवस्था मध्य गुरुतर होइगलानी तबे एते समय बीतीगला एबे तांका निकट रे कोनोसी कर्मी की जिला प्रशासन किंबा कोनोसी उच्च पदाधिकारी पहुँचलेनी कि सीएससी सामने अच्छु तो काली ठारु वर्तमान धारण में बस धारण मैंने अनुसरण करी मैंने मो दृश्य देखा चाहूँगी गत काली सकाल ठारु एपर्तंत अनुसरण करी मैंने बस काले दिन तमाम ढू ढू वर्षा लगी रही है खरा दिन तमाम खरा लगी रही है कि अनुसरण करी मैंने धारणरत अच्छा जो दाबी रही प्रमुख दाबी रही
डाक्तर पदवी गुड़ा खाली पड़ी जेहेतु बर्तमान ये पिपिली प्रमुख जगह ये 24 घंटिया स्वास्थ्य सेवा जोगाइक रोगी सेवा जोगाइक मिनिमम 4 जन डाक्तर आवश्यकता रही तेणुक जड़े डाक्तर के किभली स्वास्थ्य सेवा चलो ताप प्रश्न सृष्टि ये जो अनशन चलता समय प्रशासनिक अधिकारी मैंने पहुँचे कि तीन थर आलोचना पर कौन मानने आलोचन कौन निष्कर्ष बाहर पार ना आम मतामत नाक चाहूँगी जो मैंने ये अच्छा मेडिकल अफसर थे सीते जो आलोचना होता है पर्याप्त पर डाक्तर बर्तन जेहेतु समस्या अच्छी जोगे संभव हो पार नहीं से कौन मानने आलोचना कि निष्कर्ष बाहर ना आम सहित अच्छा यही अनुसरणकारी मैंने अच्छा मतामत ना गला सरकार प्रशासन तरफ कौन प्रकार गोटे स्थायी समाधान बाट बाहर करना गोटे मौखिक गोटे खेलिया मनोभाव आलोचना करुच्ची तेणु जिते बनशन समस्त पिपिलीर बुद्धिजीवी समाजसेवी मैंने बस से भी पिपिली जनसाधारण को गरीब लोक न्याय देवा मत लक्ष्य रख तबे जांत्रिक त्रुटि जोगाजोग विच्छिन्न हो जाइछि। धन्यवाद दुर्गा माधव आपणक समस्त अपडेट पई। झुलंता अवस्थारे जणे व्यक्तिंक मृतदेह उद्धार। मृतक हेउछंती बालेश्वर नीलगिरी थाना अस्तिया गाँवर दामोदर महापात्र। द्वारिका ग्रामर हद साहिर बिल मझिरे एक आंबो गछरु तांक मृतदेह झुलुथिबा अवस्थारे उद्धार करा जाइछि। मृत्युर कारण अस्पष्ट रहिथिबा बेले घर लोक तांक मृत देहकु गछरु ओल्हाइ नै जाइछंती। पैंचाश जन छात्र छात्रीों पर पुणि थे हेबो ओजेई परीक्षा 22 तारीख में यह ओजेई अनुष्ठित हेबो। गत 15 तारीख में गजपति बस दुर्घटना जो 45 जन छात्र छात्री परीक्षा देवारु वंचित होते। गजपति जिलार विभिन्न अंचल 45 जन छात्र छात्री एक बस जगे खोर्धा आसुले किंतु गंजाम जिला अंतर्गत तप्तपाणी घाटी निकटस्थ पाड़ुखोला ग्राम निकट में दुर्घटनार शिकार होते। स्थानीय अंचल तथा प्रशासन सहयोग घटन आहत होता छात्र छात्री को निकटस्थ दिगपहंडी तथा ब्रह्मपुर स्वास्थ्य केन्द्र को स्थानांतरित कर। गजपति जिलापाल दुर्घटनाग्रस्त छात्र छात्री भविष्य को दृष्टि रखी होता ओजेई चेयरमैन पुनर्व छात्र छात्री परीक्षा करने अनुरोध करते। ओजेई चेयरमैन गजपति जिलापाल अनुरोध क्रमे और छात्र छात्री भविष्य को दृष्टि रखी आसंता 22 तारीख में ओजेई परीक्षा पुनर्व करने निर्देश देते। चली अश्विन मास काश तंडी फुलर पसरा भी मेलिलानी। एबे खाली अपेक्षा माँ को आगमन को आउ दिन कईटा पर दुर्गा पूजा धरावतरण करे माँ दुर्गा। एथर कोरोना महामारी पर दशहरा पूजा लगी कटका तबे पूजा प्रस्तुति ठारु आरंभ कर पूजा मंडप्रे केत जन सदस्य रे विशेषकर साधारण लोकों गहली कटक लगती जिला प्रशासन। तेज एभली क्षेत्र में राज्यर विभिन्न पूजा मंडपर जोरसोर से चली प्रस्तुति। सेपटे नवरात्र पाई विभिन्न देवी पीठ से चली मां को 16 उपचार विधि। तबे आउ किछि दिन परे दुर्गा पूजा चली अश्विन मास काश तंडी फुलर पसरा भी मेलिलानी। एबे खाली अपेक्षा माँ को आगमन को धरावतरण करे माँ दुर्गा। एथर कोरोना महामारी पर दशहरा पूजा लगी कटका तबे पूजा प्रस्तुति ठारु आरंभ कर पूजा मंडपर केते जन सदस्य रे विशेषकर साधारण लोकों गहली कटक लगती जिला प्रशासन। तबे एभली क्षेत्र में राज्यर विभिन्न पूजा मंडपर जोरसोर से चली प्रस्तुति।
सेपटे नवरात्र पई विभिन्न देवी पीठ रे चलीछि मांक षोडश उपचार विधि। तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे राउरकेलारु आम प्रतिनिधि शुभम। तबे शुभम आउ किछि दिन परे धरावतरण करिबे मां दुर्गा, तबे कौन सबु प्रस्तुति चलीछि? ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ ଯାଇଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। ଏଇ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଆସୁଅଛି ଯୋଉ ନବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ, ସେଇ ଅବସରରେ ଆମେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠରେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ, ଦେଖିବାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଆରତୀ ମଧ୍ୟ ସରିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ରୀତିକାନ୍ତି ନେଉଛି। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ୟା କହେଙ୍ଗେ ଦେଖି ଆଜ ନବରାତ୍ରି ଚାଲ ରହା ହେ ଚୌଥା ଦିନ ମେ ତୋ एक तरफ देखना कि कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, दूसरी तरफ कैसे रीति रिवाज कैसे चल रहा है। स्नान ध्यान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, माला फूल पहनाते हैं, माँ का श्रृंगार करते हैं अच्छे ढंग से, और 7 बजे माता की आरती होती है। अभी क्या है, देखिए सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन किया गया है उसके अनुसार हम लोग पालन कर रहे हैं। किसी भक्त को अंदर में अलाउ नहीं करते हैं, और जो मंदिर कमेटी के लोग हैं, वैष्णो देवी परिवार के लोग हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट पुण्य यादव जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक बच्चों को लेकर के अपना मंदिर को संभालते हैं, देखते हैं, और जो प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन किया गया उसका पूरी तरह से पालन हम लोग बोलते हैं करने के लिए, हम लोग ऐसा करते हैं। और देखिए इस नवरात्र में हमेशा बहुत भीड़ रहता था मंदिर में, लेकिन आज देखिए कोरोना महामारी के लेकर के मंदिर में बिल्कुल भीड़ नहीं। आप देख ही रहे हैं कपाट हम लोग बाहर से बंद किए हैं, अपना अंदर पूजा आरती करते हैं, और 3 बार माता की आरती होती है, यजमान आकर के अपना बैठ के पूजा पाठ करते हैं, महेश अग्रवाल तो शुरू से लेकर आज तक जो है पूजा करते हैं। विशेष करके देखिए एक तरफ जो प्रशासन का कोविड गाइडलाइंस पे दिया गया है कि भक्त लोग को प्रवेश निवारण किया गया, तो दूसरी तरफ कैसे रीति रिवाज कैसे चल रहे हैं आगे, और आगे का माँ का क्या रीति रिवाज क्या रहेगा? रीति रिवाज जो है देखिए अभी शारदीय नवरात्र में जैसा विधि विधान से पूजा पाठ और देवी देवताओं का आवाहन, नवग्रह देवता, सूरज माता का कलश का स्थापन, पंच लोकपाल देवता, दस्तिकपाल, सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, और विशेष पूजा अर्चना होती है, सबका जो है श्रृंगार किया जाता है। पूजा पाठ जैसे भी नवरात्र में हम पाठ जो होता है वह हवन पाठ पूजा पाठ सब हम लोग कर रहे हैं, पंडित पुजारी ही करते हैं, लेकिन जो दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते थे उनको अलाउ नहीं है मंदिर में, अपना बाहर से आते हैं, आते क्या आ भी नहीं पाते हैं, नीचे पुलिस लगी हुई है तो आ नहीं पाते, ना जो आ जाते हैं 2 आदमी तो अपना बाहर से हाथ जोड़ करके जाते हैं, अंदर में हम लोग किसी के अलाउ नहीं करते हैं। अपना कमेटी के भी जो लोग हैं वो लोग भी ज्यादा नहीं आते हैं, 2-4 आदमी आते हैं, बाकी अपना जो मुख्य है वो पूरा अपना देखभाल कर रहे हैं कुन्नु यादव जी, उन्हीं के गाइडलाइन से हम लोग अपना काम करते हैं यहाँ पर। हम तो ये चाहते तेज निश्चित भाव आप राउरकेलार दृश्य देखुले। तेज कोविड कटकणा सहित मंदिर में पूजा प्रस्तुति पूर्व प्रस्तुति जोरसोर से चली। धन्यवाद शुभम आपण समस्त अपडेट पाई। पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर उपर रही घूर्णिवलय वर्तमान केन्द्रीय बंगोपसगर और यार संलग्न अंचल रही समुद्र पतन ठार 5.8 किमी उच्चतार रही बेले आसंता 24 घंटा मध्य लघुचापे परिणत हो प्रभाव में आसंता 23 तारीख जाए राज्य में वर्षा लग रक्षिण अधिक वर्षा हो 22 तारीख में बंगोपसगर उपर ओडू आंध्रप्रदेश पर्यटन एक घूर्णिवलय रभाव में राज्य में 28 तारीख जाए वर्षा लग र आसंता 22 तारीख जाए विभिन्न जिला पाई येलो ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाई छी। आज मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गंजाम गजपति पूरी जगत सिंहपुर और केन्द्रापड़ा प्रबल वर्षा होबार संभावना थिबारु ए सबु जिला पाई येलो वार्निंग जारी करा जाई छी।
21 तारीख दिन राज्य में वर्षार परिमाण बढ़िबो। गंजाम और गजपति जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो, एणु यह दुई जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। दुईचकिया बाइक रे बुहा होईची 25,000 लिटर पानी, एभली आश्चर्यजनक काम करी देखाइछि ओएमसी। केन्दुझर बांसपाल गंध मार्दन लुहा कणीरे ओएमसी रो पानी सिंचन करुछि बाइक। सूचना अधिकारी बळरे मिलिथिबा तथ्य अनुसार संप्रक्त बाइक रे बुहा होईची हजार हजार लिटर पानी। लोकंको भुआ बुलाई कंपनी केमिति लोकंको जीवन विपन्न करुछि, देखंतु ए रिपोर्ट। बाइक रे जाइछि 25 किलो लिटर पानी, 25,000 लिटर पानी किभली परिवहन हेला दुई चकिया बाइक रे। गाँ लोकंकु ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन ओएमसी रो धोका। धुआं धूली रे कलबल खणी अंचल रो लोके, एपटे पानी सिंचन नारे महा दुर्नीति, भात हांडी रे धूली। ए दृश्य ही बयान करुछि धूली धुआं किभली नाकेदम करुछि खणी अंचल वासिंकु। गंधमार्दन खणी अंचल रे थिबा इचिंडा गाँ लोकों पर अभिशाप पलटि खनिज द्रव्य नहीं जाता भारी जान। धूली धुआं आसी घर भितर पशुची, लोकों जीवन सह खेलुची ओएमसी। धूली धुआं न उड़ापी पानी सिंचन नारे महादुर्नीतिर प्रमाण लगी अर्गस हाथ। आरटीआई तथ्य अनुसार खणि प्रतिदिन परिवहन समय 252 किलोलीटर पा सिंचन करोगा। 6 ट्रक्र नंबर प्रदान करे, गाड़ी नंबर उपर नजर पकातु OD33H9385। परिवहन विभाग वेबसाइट रे नंबर रो गाड़ी होची एक दुई चकिया बाइक, एथिरे पुणी 25 किलोलीटर अर्थात 25,000 लिटर पानी परिवहन होची। एबे बड़ा प्रश्न, दुई चकिया बाइक रे 25 किलोलीटर पानी परिवहन हेला कि भली? पानी सिंचन नारे किए खाई टंका? ओएमसी कर्तृपक्ष कि भली जानी पारु नाहंती? इचिंडा लोकंकु ये ओएमसी रो धोका नुहे कि? आमे जेतेबेले जानिलु ए अंचल रे से पानी पकाउची एवं किपरि पकाउची, सेति पई आमे ताकु आरटीआई माध्यम रे मागीथिलु। जो 6 गाड़ी रो नंबर सी देइची, ए भितरु गोटिए गाड़ी होउची OD33H9385। ए गाड़ी होउची गोटिए स्कूटर, भुवनेश्वर आरटीओ अधीन रे थिबा मंगुळी प्रधान नाम रे थिबा गोटिए साइकिल स्कूटर हीरो मोटर्स रो पेट्रोल रे चले। तार कैपेसिटी लेखी चंती 25 किलो लीटर पानी, 2500 किलो लीटर पानी से गाड़ी यूज करुची। एपरी एटी हडअप करुचंती टंका, निरीह आदिवासी लोकंकर टंकाकु मात्र केईटा लोक केईटा कंपनी एटी हडअप करुचंती ए टंकाकु। आमे जदि देखिबा सेपटे एही धूली धुआं जुगु लोके अजणा रोगरे आक्रांत भी हेउचंती, जीवन मध्य हराउचंती। कंपनी प्रतिदिन सकाळे संध्यारे आवश्यक पानी सिंचन मध्य करू नाही बोली अभियोग करिसंती स्थानीय लोक। लाबड को आमे रुवाबाग होय जायछु, आ पानी पडुने रास्ता घाट धुडी उडी जाउछि, आ आमे केंत चढ़मु केंत रहमु। देखला बड को पणी खाली भात रे भी पानी पडला, आउ रास्ता रे पानी जे धुडी उडिला। आमर असुविधा माने देखुचंद माने घर द्वार पानी दौड़ी माने मुड़िया फड़िया सब पसी जाउछि, खाइवा पानी तो गुड़िया तो माना आमर गाधिया पानी गुड़िया रोग बाग हो नहीं आओ माना से जुगुरु माना लोक को माना बहुत ये विभिन्न प्रकार रोग बाहर थोड़ी धुआं सब घर घर पुसी गला इना टिके वर्षा हेची बोली ना नानो तो सब किछे धुड़ी सब घर थुआ होची लेकिन भात अंडर पड़ला पानी रे पड़ला। सांघातिक अभिजोग आसला केन्दुझर जिला गंधमार्दन स्थित ओएमसी खणि बाबदरे, जो खणि परिपार्श्वर थिवा गरीब लोक मानकर सांघातिक अभियोग होइछि जे तांक घरे भात हांडी रे मध्य धूलि पसि जाउछि, किंतु तार कोनोसी व्यवस्था आज ओएमसी करू नाही। धर्म को आखिठार सदृश केवल सुआकाटी बजार रे पानी छाटी दौर किंतु से तांक गाम रे कोनोसी पानी रो छिंचन व्यवस्था करू नाही। एवं ए बाबद रे जेतोले आरटीआई रो तथ्य मगा हेतला ये गोटे सांघातिक अपराध मध्य एठु हेतला जो ओएमसी खणि ऑफिस रु जे गोटे स्कूटर रो नंबर बाहर थिला एहा को हास्यास्पद कथा। तेबे ए नै आमे जेतोले यही ओएमसी रो रीजनल मैनेजर को जोगाजोग करथिलु कैमरा आगे कोनोसी कथा कहिबे नाही बोली से रोकठक मना कर देथिले। देखा जाउ कोन अवस्था होउची एही खणि परिपार्श्वर गरीब लोकंकर। केन्दुझर जिला सुआकड़ स्थित ओएमसी रीजनल ऑफिस सामनरु मास्टर सरनम अर्गस न्यूज। आसिबा परवर्ती खबर को, बगला धर्मशाला जमी सरकारंक किंतु प्रमाण जळी जाइछि।
1901 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଗଲା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ କରି ଏମିତି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜପତ୍ର 1916 ମସିହାରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟପାଠ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟପାଠର ତଥ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ନଥିବାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ମିଛକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଏକ ମିଛର ସାହାରା ନେଇଛି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ। ବଗଲା ଜମିକୁ ନେଇ ବାଉଳା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୋଟିଏ ମିଛକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଆଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ମିଛର ସାହାରା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 1901 ବଗଲା ଜମିକୁ ସରକାର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଇଛି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ସତ୍ୟପାଠ ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନୂଆ ବିବାଦ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ କେଉଁ ସରକାର କେମିତି ବଗଲା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପୁଣି ସତ୍ୟପାଠରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜପତ୍ର କିନ୍ତୁ 1916 ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୁହେଁ ବରଂ ସରକାରଙ୍କର ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଅଡୁଆ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଯେ 1901 ମସିହାରେ କୁଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1916 ମସିହାରେ ସେ ଜମିର ଅଧିଗ୍ରହଣର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ପୋଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି 1901 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ। ଆମେ ଯାହା ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ କୁଆଡ଼େ 1936 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଏମାନେ ପୁନର୍ଲିଖିତ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଜଣେ ହେଡ଼କିରାଣୀଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ଅମିନ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି 1966 ମସିହାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ମିଛ କଥା। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟପାଠରେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟପାଠରେ ତାହା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ତିଆଙ୍କ ପିଟିସନ ଉପରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ କହିଥିଲା କହ୍ନେୟାଲାଲ ବଗଲାଙ୍କ ଜମି ବାବଦରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପିଟିସନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟପାଠରେ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଏହା ବଗଲାଙ୍କ ଜମି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ଏ ମିଛ ଧରିଛି ଖୋଦ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପିକେଡିଏକୁ ଲେଖିଥିବା ଏ ଚିଠି। 2019 ପିକେଡିଏକୁ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାବେଳେ ଏହି ଜମି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅମୃତ ମଣହି ଜମି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ କରିବାକୁ NOC ଦେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲଜିଂବାଲାମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ବା ଲଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ଦିଆହେଲା NOC ଦେଇକରି, ଯଦି ଏଇଟା ଥିଲା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇଥିଲା ଅଧିକୃତ ଜମିକି ଆପଣ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି କବଲା କଲେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଲୋକମାନେ କି ହଇରାଣ ହେବେ ନା? ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ବି ଜାଗା ପାଇବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା କଲେ, ନା ପୁରୀର ସୁବିଧା କଲେ, ନା ଧାର୍ମିକ ସୁବିଧା କଲେ। କେବଳ ଆଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା ସବୁ ବିକ୍ରି ସରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଖଣି ଖାଦାନ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ନାଳ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ ସବୁ ଖାଇଗଲା ପରେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଜମି ପୁରୀକି ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ। ମାଟି ତୋଟାର 2 ଏକର ଜମି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ସେ ଜମି ଆଦୌ ଧର୍ମଶାଳା ପାଇଁ ବା ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଯେହେତୁ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଥିଲା, ଦାତବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଳିଥିଲା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଭକ୍ତମାନେ 100 ବର୍ଷ ଧରି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମିର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବଦଳ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବଗଲା ଜମିକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟପାଠର ମିଛ ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଶାନ୍ତିଲତା ଗିଡ଼ିଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଶେରଗଡ଼ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଷଣ୍ଢ ଆଗକୁ ପଳାଇ ଆସିବାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ନୀଳଗିରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ୍ ମହାମୁକାବିଲା 37ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍କୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 125 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।
ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାଡେଜା ସର୍ବାଧିକ 35 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। 126 ରନ୍ର ପିଛା କରୁଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 15 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଏହି ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବଟଲର ସର୍ବାଧିକ 70 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଭେଟିବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଏକାଦଶ ପଞ୍ଜାବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। तबे अर्गस अपडेट रे समय सरिची। अधिक खबर पाई हम वेबसाइट विजिट करि परिबे। अर्गस न्यूज नमस्कार।